फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। घरों की बिक्री के लिहाज से बीता साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतोषजनक रहा। कोरोना की पहली लहर से प्रभावित 2020 के मुकाबले 2021 में घरों की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 7 शहरों में बीते साल घरों की बिक्री 2020 के मुकाबले 71% बढ़कर 2,36,000 के पार निकल गई। 2020 में करीब 1,36,000 फ्लैट्स की बिक्री हुई थी, जबकि 2019 में 2,61,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस लिहाज से 2021 में घरों की कुल बिक्री प्री कोविड साल यानी 2019 से 10% कम रही। बिक्री में इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह होम लोन के रेट में कमी रही। इसके साथ ही कोरोना में अपने और बड़े साइज के घरों की डिमांड बढ़ने से भी घरों की बिक्री में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में कटौती और डेवलपर्स की स्कीम्स ने भी घरों की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। फ्लैट्स की बिक्री बढ़ाने में इस साल फेस्टिवल सीजन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर तिमाही का 2021 में हुई घरों की कुल बिक्री में 39% का योगदान रहा है। अगर 2021 में अलग अलग शहरों में हुई बिक्री को देखें तो हैदराबाद में 2021 में घरों की बिक्री 3 गुना बढ़कर 25,410 यूनिट्स रही। दिल्ली NCR में 2021 में घरों की बिक्री 73% बढ़कर 40,000 के पार निकल गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में घरों की बिक्री 2021 में 72% बढ़कर 76,000 के पार चली गई। पुणे में 2021 में फ्लैट्स की बिक्री 53% बढ़कर करीब 36,000 रही। बेंगलुरु में 2021 में 33% बढ़ोतरी के साथ 33,000 घर बिके। चेन्नई में 2021 में 86% इजाफे के साथ 12,530 यूनिट्स की बिक्री हुई। कोलकाता में 2021 में 13,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई। 2021 के इस दमदार प्रदर्शन के बाद जानकारों का मानना है कि 2022 में फ्लैट्स की बिक्री प्री कोविड स्तर पर पहुंच जाएगी। डेवलपर्स ने भी अनसोल्ड स्टॉक को निकालने के लिए अच्छी स्कीम्स दी कोविड के टाइम पे, तो इससे एंड यूजर काफी अट्रैक्ट हुआ, उसने बाइंग करी और धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्टर्स भी आए, क्योंकि प्लॉट्स में खरीदारी इन्वेस्टर्स ने की है, तो एंड यूजर्स के साथ साथ इन्वेस्टर भी आया और रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 2 सालों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा हुआ है, तो थर्ड वेव जो है अपना ओमिक्रॉन वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव अगर नहीं हो पाया तो ये तेजी कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। हालांकि 2022 की शुरुआत ओमिक्रॉन के साये में हो रही है, जो नए साल में घरों की बिक्री की स्टार्ट को धीमा कर सकता है। इसके साथ ही घरों की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी इस बार महंगाई के चलते बढ़ गया है। इन दोनों वजहों से अगर रियल एस्टेट मार्केट जल्दी उबर गया तो फिर 2022 वाकई 2019 से आगे निकलने में कामयाब रहेगा।